अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट इन। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की। आज पाकिस्तान करेगा भारत की जीत की दुआ। केजरीवाल की पेशी से पहले आपके एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी के छापे नौ ठिकानों पर पहुंची थी। बिहार में नीतीश कुमार आज 25,000 शिक्षकों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 2005 के पहले चयनित कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने नहीं होंगे पेश, सूत्र। अब खबरें विस्तार से। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत टीम आज दूसरे नंबर पर अपना सातवां मैच खेलेगी। ये मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान आज इस मैच में भारत की जीत की दुआ करेंगे ताकि उनका सेमीफाइनल का रास्ता कुछ हद तक क्लियर हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे शराब घोटाला मामले में पूछताछ की जाएगी, लेकिन इससे पहले ईडी की एक टीम ने आज सुबह ही दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के घर पर छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम मंत्री के सिविल लाइन स्थित आधिकारिक आवास समेत 9 जगहों पर छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम राजकुमार आनंद के बिजनेस से जुड़े मामले में छापेमारी कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। गुरुवार को इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का बिहार सरकार रिकॉर्ड बनाएगा। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2005 के पहले चयनित लेखपालों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार इनको पुरानी पेंशन दे, इससे लेखपालों में खुशी की लहर। दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त उन कार्मिकों का ब्यौरा मांगा है जिनकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 के पहले प्रकाशित हुआ था। ऐसे में शिक्षकों व कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि केंद्र की भांति उन्हें भी पुरानी पेंशन का विकल्प मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होंगे और वह चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश जाएंगे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पार्टी के एक सूत्र ने बताया वे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाएंगे, जहां वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। वे कुछ देर में मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए समन किया है। उन्हें बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे जांच एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में पेश होना था। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।